हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स गार्डन चैनल पर आपका स्वागत है। यूँ तो फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट्स अपन देखते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स भी देखते हैं, लेकिन इस फ्लावर की बात ही कुछ और है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पेरीविंकल, जिसको हम विंका रोजिया भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है कैथेरेंथस रोजियस। नॉर्मल अपन देशी भाषा में इसको कहते हैं सदाबहार या सदाफुली, और बंगाली में इसको नयनतारा नाम से भी जाना जाता है। नयनतारा मतलब आँखों का तारा, ये बंगाली में इसको नयनतारा भी कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए इसके प्लांट के फ्लावर, देखिए लीफ से ज़्यादा फ्लावर दिख रहे हैं अपने को। बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और एक अच्छी बात हो रही है इसमें कि साथ साथ ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी खूब है। मेडिसिनल प्लांट है ये, काफ़ी सारी औषधि इससे बनती हैं। फ्रेंड्स अलग अलग कलर की प्रजाति इसमें पाई जाती हैं, वाइट विंका, अपने जो देसी विंका होता है, पिंक विंका भी होता है, पर्पल भी होता है, और ऐसे ये वेरीगेटेड वेराइटी है। जैसे मेरे पास ये रानी कलर की विंका है, ये कितना सुंदर फूल है, खूबसूरत। देखिए ये फ्लावर देखिए आप, बीच में बिल्कुल मिड में येल्लोइश है, फिर हल्का सा वाइट और रानी कलर, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं फ्रेंड्स। जो विंका की हाइट है फ्रेंड्स, वो 1 से 1.5 फीट के करीब लंबाई होती है इसकी, और ये 12 महीने फूल देता है। पूरे अपने जो जनवरी से लेके दिसंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है, और गर्मियों में तो फ्रेंड्स इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, अब देखिए गर्मियों में बिल्कुल ये वेरीगेटेड वेराइटी में देखिए आप, लीफ से ज़्यादा इसमें फ्लावर्स चमक रहे हैं चारों तरफ। ये मेरी देसी वेराइटी है, इसमें भी देखिए आप, और फ्लावर्स की साइज़ देखिए फ्रेंड, सर्दियों में फ्लावर्स की साइज़ थोड़ी कम हो जाती है, ये देखिए आप, साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है इसकी। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधा काफ़ी अच्छे से चल जाता है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। कहीं भी लगाओ इसको, ग्राउंड में लगाओ या पोट में लगाओ, आराम से चलेगा ये। नॉर्मली सनलाइट में रखते हैं, अगर आप शेडी एरिया में भी रखेंगे तो 1-2 घंटे की धूप ही आराम से लेके और अच्छा ग्रो दिखाएगा फ्रेंड्स। इसको अपन कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं या सीड्स के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के द्वारा हम ये करेंगे कि ये जो इसकी स्टेम है, इसको 5-6 इंच की लंबी ले लेंगे, एक जो स्टेम है इसकी कट करके, यहाँ से नीचे से 4-5 ये जो लीव्स हैं ये हटा करके और सीधी अपन पोट में लगा देंगे, तो आराम से ये ग्रो कर जाएगी फ्रेंड्स। फ्लावर्स आने के बाद जब झड़ जाते हैं तब इसमें फली बनती हैं, उन फली में जीरा, जो अपना काला जीरा होता है, उसके जैसे बीज बनते हैं, वो नीचे गिरते रहते हैं ग्राउंड में, और उससे छोटे छोटे नए नए प्लांट उगते रहते हैं। ये देखिए इसमें प्लांट होगा, मैंने मोस रोज लगा रखी है, तो इसके बीच में ये देखिए छोटा सा प्लांट उगा हुआ है। और भी 3-4 प्लांट्स यहाँ थे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से निकाल करके, देखिए मैंने इनको यहाँ इनमें छोटे छोटे में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए उसमें से बेबी प्लांट निकला हुआ था, फली झड़ करके अपने आप बना था ये, एक ये है, ये मैंने इनमें छोटे छोटे पोर्ट्स में लगा दिए हैं ताकि ग्रो करके आराम से बुशी बन सकें। फ्रेंड्स के लीव्स जो है काफ़ी चिकनी और सलीके से लगी हुई है, देखिए अपोजिट साइड में बिल्कुल, और चिकनाई और काफ़ी सुंदर इसका लुक है। झाड़ी नुमा प्लांट है, लेकिन इसकी कटाई छटाई की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती, कि ये बिल्कुल तरकीब से, जैसे विधाता ने इसको बिल्कुल तरकीब से जचाया हो ना, वैसे जमा हुआ सा ये लगता है अपने को। और इसमें फ्रेंड्स इसकी जो ये स्टेम है और जो लीव्स हैं, इनमें एल्केलॉइड्स होते हैं जो एंटी कैंसरस भी होते हैं और एंटी डायबिटिक होते हैं। जिनके डायबिटीज होती है उनको ये जो पत्तियां हैं इसकी, लीव्स हैं, ये खाने के लिए बताया जाता है कि मॉर्निंग में, मैंने सुना है ऐसा कि मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर जिसके डायबिटीज़ है उसको ये इस प्लांट की ये जो पत्तियाँ हैं वो खाए तो उसके डायबिटीज़ काफ़ी हद तक क्योर हो जाती हैं। और बात करें इसकी कि इसकी ग्रोइंग कैसे होगी, कैसी इसको सोइल चाहिए, तो बिल्कुल नॉर्मल सोइल जो अपने यूज़ करते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल ये गार्डन सोइल ले रखी है, इसमें हल्की सी सैंड है, और कभी कभार जैसे साल में 2 बार इसमें मैं खाद दे देती हूँ। इसमें मैंने दी नहीं है अभी तक, दूंगी अभी सितंबर में दूंगी, क्योंकि काफ़ी छोटा प्लांट है, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके फ्लावर्स की साइज़ ऐसे देखिए आप, कितनी मस्त साइज है, इसको कहीं ज़रूरत नहीं, कहीं भी आप प्लांट लगाओ ये आराम से ग्रो करेगा नॉर्मल गार्डन सोइल में। बाकी आप अगर पॉट में इसको उगाओ तो इसमें सोइल ले सकते हो, साथ में थोड़ी सी सैंड और थोड़ी सी खाद, तीनों का मिक्सचर बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इसको आराम से अपन कहीं भी ग्रो कर सकते हैं।
जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग करके इसको बुशी शेप भी बना सकते हैं कि इसकी जो कटिंग सही काफ़ी ऐसे 1-1.5 फुट हाइट हो जाती है, तो अपने को अगर बुशी शेप इसका देना हो, ये देखिए आप ग्रो, तो बुशी शेप अगर इसको देना हो तो ये ऊपर वाली जो है इनकी जो कटिंग कर देंगे हल्की हल्की जुलाई से अगस्त में, तो ये काफ़ी बुशी बन जाएगा और काफ़ी सुंदर बनेगा। अपन इसको अपनी हाई ये अपने घर में या पोर्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करके अपन रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ट्यूलिप्स गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे अच्छे और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए, नए नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए वेरीगेटेड वेराइटी है, ये मैंने एक छोटे से पोट में लगा रखी, काफ़ी छोटा सा है, देखिए पोट बिल्कुल छोटे से में, और इसकी फ्लावरिंग देखिए आप चारों तरफ बिल्कुल बुशी हो रखा है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन ये देखिए फ्लावर्स, और इसके बेबी प्लांट नीचे उगते रहते हैं। इसमें एक दो प्लांट बेबी प्लांट उगे थे यहाँ पे, तो मैंने निकाल करके किसी को दे दिए, पड़ोस में किसी ने मांगे थे फ्रेंड, तो मैंने दे दिए। लेकिन इनके साइज़ देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सोइल है, हल्की सी इनमें आप खाद दे हो तो कंपोस्ट दे सकते हो, या फिर आप गोबर की खाद जो देते हैं वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी खाद दो तो फरवरी और सेप्टेम्बर में आप खाद दो, किसी भी प्लांट में फरवरी और सेप्टेम्बर में खाद आराम से चलेगी। वाटरिंग फ्रेंड्स की डेली करें, अगर आप 2-3 दिन वाटरिंग नहीं करेंगे तो ये जो ये पत्तियाँ हैं इसकी, ये थोड़ी सी ऐसे सिकुड़ जाएगी इस तरीके से, और फिर अपन वाटरिंग करेंगे तो वापस से ऐसे हो जाएगी। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं ये देखिए, वाटरिंग का इन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वाटरिंग अगर अच्छे से करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स, ये देखिए लुक, मैं 2 दिन से इसमें वाटरिंग करती हूँ, वैसे डेली करनी चाहिए लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो 2 दिन से वाटरिंग करती हूँ, फिर भी ये काफ़ी आसानी से चलता है। अगर 2-4 दिन अपन वाटरिंग नहीं भी करें तो प्लांट मरता नहीं, बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड, मरेगा नहीं प्लांट, ये आराम से ग्रो करता रहेगा। आप 2-3 दिन इसकी केयर नहीं करेंगे, बाद में पानी डाल देंगे तो भी चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको प्लांट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।